शुक्रिया जनाब ताहिर काजमी साहब आपका, आप हमारे स्टैंड पर आए हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मेरे सारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ये नाती भाई हैं, हमारे बीजी के एजेंट हैं। आज बीजी में एक वाकया हुआ, आज से नहीं बहुत काफ़ी अरसा से ये सिस्टम चल रहा है। मैं बहुत बार ये मैं कह भी चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे स्टैंड के अंदर जो है खासकर जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन जो बीजी से मेंडर प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं या किसी रूट से प्राइवेट गाड़ियाँ आती हैं, सुरकोट से भी आती हैं, लेकिन ये हमारे ग्रीन मशीन लोग जो किराएदार बीच में बैठते हैं उनसे ये गैर कानूनी जो किराया जो है वायलेशन करते हैं, ये एक्स्ट्रा किराया चार्ज करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हमारी जो गाड़ी परमिट की है उस गाड़ी वाले से क्या करते हैं, उस गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के और उस गाड़ी को क्या करते हैं, मारने और तोड़ने की कोशिश करते हैं और ड्राइवरों की पिटाई करते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में जाके परमिट वाली गाड़ी के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी जाती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपके माध्यम से SDPO ट्रैफिक जो है नवाज साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विदाउट परमिट जो गाड़ियां हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है, ये गाड़ियां गैर कानूनी वायलेशन करती हैं, आप इनके साथ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हमें मजबूरन जो है रोड पे आना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा SDPO मेंडर शाहजान भाट साहब से और SHO मेंडर साजिद बानिया साहब से कि ये प्राइवेट गाड़ियों ने हमारे ये परमिट वाले जो लड़के हैं इनकी बहुत जान सताई हुई है। एक तो इनके पास परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है और विदाउट लाइसेंस जो है गाड़ी चला रहे हैं बच्चे और माइनर बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं। किराया जिस वक्त ओवर चार्जिंग करते हैं कहते हैं परमिट वाला जो गाड़ी वाला है वो ओवर चार्जिंग करता है। तो आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, नहीं तो मेरी पूरी जितनी भी परमिट की ट्रांसपोर्ट है ये हम एक दो दिन में अगर ये रिएक्शन ना हुआ तो हम पूरी रोड में जो पूरी ट्रांसपोर्ट लेके अपनी चाबियां जो हैं ये पुलिस स्टेशन मेंडर में जमा करवाएंगे और हमारी गाड़ियां जो हैं डिपार्टमेंट वाले चलाएं, हम हमारे ड्राइवर बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, ये आप मुतमिन हैं इस चीज़ पे। और मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा इंतजामिया को कि प्लीज मेहरबानी करके इन प्राइवेट गाड़ियों के बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि हमारे लोगों की जाने जा रही हैं। आज थन्ना मंडी में एक्सीडेंट हुआ, 8 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं, इको गाड़ी थी और 4 बंदे जो हैं ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। आप देखेंगे अगर इंश्योरेंस होता तो उनको क्लेम मिलता, लेकिन ये विदाउट परमिट के गाड़ियां चलाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से कि प्लीज मेहरबानी करके इन विदाउट परमिट वाली जो गाड़ियाँ हैं इनको थोड़ा सा इनको कंट्रोल किया जाए, प्लीज मेहरबानी करके। थैंक यू।